पहले प्रियंका जी से पहले एक ऐसे शख्सियत से मिलाने आप गुजरा रहे हैं कि आदमी को कहता है जो पाप जो हाथ जो गुण सब कुछ है और वह आदमी कहता है कि हमारा से ये काम नहीं होगा। लेकिन एक दिव्यांग आदमी जो पैर से लाचार है वह व्यक्ति इतने बड़े टीम में वह व्यक्ति हमारे ऑफर को अचीव किए वो व्यक्ति और कोई नहीं है आपके बीच में है उनको देख रहे हैं किस तरह से एक्टिव है। हम उनको एक बार बुलाना चाहेंगे और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए उनकी हड्डी को देखकर और दो शब्द आपको ये बताएंगे किस तरह से अपने जर्नी को फिल्म को उसको 8 से 9 महीने में चल करके यहाँ तक आए हैं और क्या क्या प्राप्ति उन्होंने किया है। और इन्हीं के टीम में प्रियंका देवी जो है ये ऐसी भर पहले नमस्कार भाई मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ हमें छोटा सा गांव है जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है जो कि पवन दीघा से फिल्म करता हूँ और मैं यहाँ से तकरीबन 8 महीना से इस सिस्टम को करते हुए हो गया और मेरे टीम शायद अभी 150 के प्लस है और अभी टीम का यहाँ पे 1.5 लाख किया हूँ और हम अपने टीम में बहुत ज़्यादा अभी नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 10-20 लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से 10,000-20,000-5,000 रुपया इनकम कर रहे हैं और मेरा रैंक रुकी है और मेरा जितना भी सिस्टम से मिला है रैंक मैं पूरा रैंक को लेकर और आज तक यहाँ पर जो भी सिस्टम देगा वो पूरा लेने के लिए अवेलेबल है चाहे जो भी दुनिया का ले लेकिन हम अपने दम पर और अपने सीनियर का दम पर बदलदम पर हम यहाँ का अचीवमेंट कर रहे हैं और आज में पूरा विश्वास है कि आगे भी हम अचीवमेंट करेंगे चाहे जितना भी सिस्टम दे रहे हैं उसको हम हासिल करके रहेंगे। जय हिंद जय भारत जय फ्रीडम प्लस। और एक मेरे टीम में प्रियंका कुमारी के नाम से एक अचीवमेंट है जो कि यही महीना में अपना पंखा फरमाइश की पंखा फरमाइश की है उनको सम्मानित करना चाहते हैं थोड़ा सा आने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी जो भी आ जाए आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। प्रियंका जी हैं है ना और 5 डायरेक्ट सिल्वर आईडी इन्होंने लगाया और 5 एक्सलेटर करवाया और यह ऑफर प्राप्त किए हैं इतने बड़े टीम में और उनके ये अपलाइन है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार धड़कन नाम भी बड़ा गजब है इनका नाम सुनने से धड़कन आ जाता है ना क्योंकि इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया है सोच सकते हैं यह आदमी जब कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते यह आदमी जब कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको यह जज्बात यह जुनून आपके दिल में पैदा करना पड़ेगा। जब यह दिव्यांग व्यक्ति इनकी जज्बात को सुनिए इनकी स्टेटमेंट को आपने सुना कि जो भी देगा मैं पूरा करूंगा आपको यह ठानना पड़ेगा यह मानना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने मन से तैयार नहीं हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं कहीं ले जा सकती। इसके लिए आपको सर्वप्रथम तैयार होना पड़ेगा है ना यह जुनून अपने आप में पैदा करना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं है ना। इसलिए कहते हैं कि हिम्मत हार के बैठ रहे इनका कहना क्या है धर्मेंद्र जी का कि हिम्मत हार के बैठ रहे ये मेरा दस्तूर नहीं हिम्मत हार के बैठ रहे ये मेरा दस्तूर नहीं मंजिल हमसे दूर सही हम मंजिल से दूर नहीं। चलिए इनका ऑफर में जो था ये तूफान का सीलिंग फैन है और ये जो अचीव की हैं उनके लिए प्रियंका जी को मैं बहुत बहुत बधाई आगे भी